नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 वर्ल्ड कप का 28वां मैच बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट जो रिसेंट 5 मैचेस इन दोनों टीम ने खेले हैं उनके रिजल्ट क्या रहे हैं। तो बांग्लादेश ने लास्ट 5 में से 4 लॉस किया है, 1 विन किया है। वहीं पर जिम्बाब्वे की टीम ने 3 विन किया है, 1 लॉस किया है, 1 का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, अब हम बात करेंगे हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड में यहाँ पे देख लेते हैं, हेड टू हेड में 3 मैच लास्ट 5 में से जिम्बाब्वे ने विन किए हैं, वहीं पे बांग्लादेश ने 2 मैच विन किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। तो वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, रेसेंट फॉर्म, ट्रंप प्लेयर, ड्रीम इलेवन टीम, 4 टिप्स आपको मिलेगी। तो वीडियो बने रहे, ठीक है। सबसे पहले आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ। आपको टेलीग्राम पे आके यहाँ पे फैंटेसी कैप सर्च करना है। फैंटेसी कैप सर्च करते हैं तो फैंटेसी कैप के नाम से एक चैनल दिखेगा, यहाँ पे यूजर नेम @fantasycap मिलेगा। सिर्फ इसको ही आपको सब्सक्राइब करना है। इस पे आपको वीडियो प्लस टीम दोनों आपको मिलेगी, तो आप इसी से जुड़े। ठीक है, एक और हमारा चैनल है लव क्रिकेट के नाम से। ठीक है, तो लव क्रिकेट से आप जुड़ सकते हैं। लव क्रिकेट सर्च करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लव क्रिकेट 05 नाम का एक यूजर नेम दिखेगा, सिंबल आपको लव क्रिकेट का दिखेगा, तो इससे ही आप जुड़ जाएं। ठीक है, इसको ही सब्सक्राइब करें। दोनों ही चैनल फैंटेसी कैब और लव क्रिकेट पे, दोनों पे ही आपको टीम प्लस वीडियो दोनों ही मिलेगी। अगर आपको मैसेज सेंड करना है हमको, तो यहाँ से आप लव क्रिकेट बोट पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लव क्रिकेट सर्च करेंगे तो यहाँ पे लव क्रिकेट बोट दिखेगा, इस पे आप मैसेज हमें भेज सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो पिच यहाँ पे देख लेते हैं, तकगब्बा ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट मैच है T20 वर्ल्ड कप का, तो ये बैटिंग भी है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचों के स्कोर कार्ड मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, जो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 178 रन 7 विकेट पे फर्स्ट इनिंग में बनाए, वहीं विंडीज 147 रन 8 विकेट पे सेकेंड इनिंग में। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे 117 रन 10 विकेट पे फर्स्ट इनिंग में, ऑस्ट्रेलिया 118 रन बना के 1 विकेट पे विन कर गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फिर यहाँ पे 158 रन 4 विकेट पे, वहीं इंडिया की टीम 169 रन यहाँ पे 7 विकेट बना के विन कर गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम पिच को एवरेज ही समझेंगे, बैटिंग है प्लस एवरेज है। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट हो गया। अब हम बात करेंगे रिसेंट फॉर्म की। तो रिसेंट फॉर्म के लिए यहाँ पे मैंने इनफॉर्म प्लेयर लिख दिए हैं, जैसा कि आपको हर वीडियो में मिलता है इनफॉर्म प्लेयर, तो ये आपको ड्रीम इलेवन टीम में जरूरी रहते हैं। ठीक है, आप इन प्लेयर को अपनी ड्रीम इलेवन टीम में रखते हैं तो आप 100% है आप विन करेंगे। ठीक है, स्मॉल लीग तो विन ही करेंगे। जो मैंने वीडियो में बताया था जिस प्लेयर को मैंने बोला था इनफॉर्म प्लेयर है, जिनको आप ड्रीम इलेवन टीम में रखेंगे, वही प्लेयर मैंने रखा था। सब के सब प्लेयर चले हैं और बहुत ही बढ़िया हमारा मैच गया है, अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ है स्मॉल लीग में। ठीक है, तो आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो यहाँ से जो इनफॉर्म प्लेयर हैं, तो यहाँ से यस रजा हैं, यस हसन हैं, टी अहमद है, बी वांस है, एच महमूद है, एम एच मिराज हैं, ई हुसैन है, या लास हैं। ठीक है, एम एच मिराज को मैंने इसलिए इसमें रखा है क्योंकि बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, अगर किसी भी मैच में हो सकता है चल जाए, या फिर कल का ही मैच जो है उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैप्टन भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यश रजा को कैप्टन बनाना है, साकिब अल हसन कैप्टनसी की चॉइस, ये दो प्लेयर है ही हैं ऊपर के, टी अहमद को भी बना सकते हैं, फॉर्म में है। उसके बाद ये प्लेयर जो हैं बी इवांस, यच महमूद आपके टीम में होने चाहिए, ए हुसैन प्लस एल दास। लिंटन दास थोड़ा फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं बट फॉर्म में है। ठीक है, और कमज़ोर टीम के खिलाफ अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज प्लेयर की। तो एवरेज प्लेयर में सी इरविन है, बी मुजरवानी, यस विलियम्स, यस सरकार, ए हुसैन अभी फॉर्म में है, इनको आप रख सकते हैं अपनी टीम में। ठीक है, उसके बाद डब्लू मदवेरे हैं, आर नगारवा हैं, एन एच संटो भी फॉर्म में है, इनको भी आप रख सकते हैं, कमज़ोर टीम के खिलाफ बहुत ही अच्छा रन बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टी चतारा है, टी चतारा को भी आप रख सकते हैं, ये भी फॉर्म में है, और एम हसन है, एस इस्लाम है। ठीक है, तो ये एवरेज प्लेयर है। एवरेज प्लेयर जानने के लिए आपको ड्रीम इलेवन टीम पर चलना पड़ेगा, वहीं पर मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से आपके एवरेज प्लेयर प्लस इनफॉर्म प्लेयर दोनों ही हो गए। अब हम बात करेंगे ट्रंप प्लेयर की। ट्रंप प्लेयर कौन हो सकते हैं, तो ट्रंप प्लेयर जानने के लिए चलते हैं सबसे पहले ड्रीम इलेवन पे, वहीं पे आपको ड्रीम इलेवन टीम ट्रंप प्लेयर प्लस CVC आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन में है NS Santo। ठीक है, NS Santo ये आपके लिए ट्रंप हो सकते हैं कल के मैच में, क्योंकि इनको 17% लोगों ने सेलेक्ट करके रखा है, क्योंकि ये बैटिंग बहुत ही अच्छा करते हैं, अगर कल के मैच में टिक जाते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए
स्मॉल लीग प्लस आपके लिए जीएल दोनों में इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे देख लीजिए एमएस मिराज हैं, मेहदी हसन मिराज हैं, ठीक है। अगर विकेट चटकाएंगे तो बंडल में चटकाएंगे, ठीक है। इनको आप ज़रूर अपनी टीम में रखें, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं कल के मैच में अगर, ठीक है। तो यहाँ से इनको अगर खेलते हैं लाइनअप में तो इनको अपनी स्मॉल लीग या फिर जीएल में पिक करना ना भूले, ठीक है, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया आप तो लॉस खा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मुदक हुसैन है, यहाँ पे या हुसैन है, ये भी बॉलिंग करा रहे हैं, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी विकेट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में आते हैं तो यहाँ से एम रहमान है, मुस्तफ़िर रहमान है, इनको ज़रूर अपनी टीम में रखें अगर ये कमज़ोर टीम के खिलाफ अच्छा विकेट ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा पिक रहेंगे, चूँकि इनके साथ 35% लोग जा रहे हैं क्योंकि अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट हो सकता है कल के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है टी चतारा, टी चतारा खेल नहीं रहे हैं, अगर खेलेंगे तो इनको आप अपनी टीम में रखें, फॉर्म में हैं प्लस विकेट ले सकते हैं। उसके बाद ई हुसैन है, ई हुसैन का भी फॉर्म बहुत बढ़िया है, अगर खेलते हैं तो इनको भी अपनी टीम में रखें, ये भी आपके लिए ट्रंप हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आर नगारवा है, आर नगारवा इनको अपनी टीम में ज़रूर रखें, ये अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्लेयर ऐड हुए हैं, जैसे एन अहमद है, नसूम अहमद बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, अगर खेलते हैं तो इनको भी आप पिक कर सकते हैं। एम सैफुद्दीन इनको भी पिक कर सकते हैं, डेट ओवर के बॉलर हैं प्लस विकेट ज़्यादा लेंगे। और यहाँ से नसूम अहमद हैं, स्पिनर्स हैं, प्लस ये भी विकेट ज़्यादा लेंगे, तो इन दोनों को अगर खेलते हैं तो अपनी टीम में ज़रूर रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई उतना खास नहीं है, अगर खेलता है कोई तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। एच महमूद को आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब हमारे ट्रंप प्लेयर हो गए, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं यहाँ से कौन कौन से हैं। यहाँ से कैप्टनसी के एक ही चॉइस है, यहाँ पे मेहदी हसन मिराज, इनको ही मैं कैप्टन बनाऊंगा अगर खेलते हैं तो, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पे दास के साथ जाएंगे, दास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, चकावा को नहीं लेंगे, आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अनारुल हसन बहुत नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दास के साथ जाएंगे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में यहाँ से इरविन को लेंगे अभी के लिए, उसके बाद यहाँ से ए हुसैन को लें और सरकार को लें, ठीक है। एन एस सेंटो को भी ट्राई कर सकते हैं, कल के मैच में हम देखेंगे लाइनअप में कितने नंबर पे आते हैं, उस हिसाब से इनको ट्राई करेंगे। और यहाँ से मेदवेरे को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेदवेरे भी ओपनिंग में आ रहे हैं, प्लस थोड़ा रन बनाने के चांसेस है, अगर बॉलिंग कराते हैं तो विकेट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से मिराज के साथ ही मैं जाने वाला हूँ, मिराज को अपनी टीम में ज़रूर रखूँगा, ट्रंप है, प्लस बॉलिंग कराएंगे तो विकेट ज़्यादा लेंगे, ठीक है। उसके बाद एस राजा हैं, एस ए हसन है, ठीक है, साकिब अल हसन, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं और एक इम्पोर्टेंट है, सी एन विलियम्स को ले सकते हैं आप। उसके बाद अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ से कौन कौन से बॉलर होने चाहिए आपकी टीम में, तो यहाँ से अभी कोई खेल नहीं रहा है, खेलेगा तो मैं लूँगा, आर नगारवा के साथ अभी के लिए जा रहा हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे अभी मैं मुजरमानी को ले रहा हूँ, रहमान को ड्रॉप करता हूँ, टी अहमद के साथ जाता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तीन प्लेयर हैं, बाकी जब लाइनअप आएगा तो यहाँ से कुछ प्लेयर मैं पिक कर सकता हूँ, जैसे एम सैफुद्दीन हो गए, यहाँ से एन अहमद हो गए, ठीक है। एच महमूद भी अच्छे फॉर्म में है, तो इनको भी हम कल ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए ऑलराउंडर में अभी सी एन विलियम के साथ में जा रहा हूँ। तो जिम्बाब्वे के अभी पांच प्लेयर हैं और बांग्लादेश के छह प्लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी के लिए इतने ही प्लेयर हम लेके जा रहे हैं, कल लाइनअप आने के बाद हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कैप्टन किसको किसको बनाना है, तो यहाँ पर कैप्टन आप देख लीजिए, यहाँ पर मेहदी हसन मिराज को बना सकते हैं, साकिब अल हसन को बना सकते हैं, एस रजा इम्पोर्टेंट ही है, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस हैं। टी अहमद को आप बना सकते हैं, फॉर्म में अच्छा विकेट चटका रहे हैं, इनको भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आप कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेगा, तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे एस रजा को ही बनाएं आप, साकिब अल हसन को ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो एस रजा और मेहदी हसन मिराज को मैं वीसी बनाऊंगा, तो ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे, आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं कुछ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ओके, थैंक यू।